सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में बात करेंगे। आज मैं बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एपिकल्चर। एपिकल्चर को कैसे देखेंगे फ्रेंड्स? एपिकल्चर मधुमक्खी पालन अध्ययन करता है, तो इसको इमेज से समझेंगे। देखिए, एक लड़का जो है वो बोल रहा है एपी शहद। क्या बोल रहा है? एपी शहद। तो एपी से एपिकल्चर, शहद मीन्स मधुमक्खी पालन अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, यह भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छा है। एपी शहद मीन्स एपिकल्चर जो है मधुमक्खी पालन अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है फ्रेंड्स, देखिए रेशम कीट पालन का अध्ययन करता है। ट्रिक जो है रेशम की साड़ी। रेशम की साड़ी जो है फ्रेंड्स, साड़ी मीन्स सेरिकल्चर, और रेशम कीट का पालन का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, ये इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन करता है। तो ट्रिक जो है मछली के पीस जो होता है फ्रेंड्स, तो पीस से याद करेंगे पीसी कल्चर। और मछली जो है मत्स्य पालन का, सॉरी, मछली के पीस, पीस से हो जाएगा पीसी कल्चर। और मत्स्य मीन्स मछली पालन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में देखेंगे फ्रेंड्स, वो कवकों का अध्ययन करता है। तो कैसे समझेंगे? देखिए, एक बेसुरा जो है वो माइक के सामने गा रहा है, तो आवाज कैसे आएगी? काव काव जैसी आवाज आएगी, कवो जैसी आवाज आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे याद रखेंगे, माइकोलॉजी जो है कवो का अध्ययन करता है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में देखिए शैवालों का अध्ययन जो करता है। तो फ्रेंड्स, देखिए एक लड़का है, इसको समझेंगे ऐसे, एक लड़का जो है वो बहुत समझदार है, वो बहुत फेंक रहा है, ठीक है? तो उसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो इसे ऐसे याद रखें, सवाल जो पूछ रहा है तो शैवालों का अध्ययन होता है, और फेंक रहा है तो फेंक से फाइकोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिलेट कर रहा है ना, फाइकोलॉजी और फेंक से फाइकोलॉजी, और शैवालों से शैवालों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, पुष्पों का अध्ययन होता है। ट्रिक जो है इन थैलों में पुष्प। तो फ्रेंड्स, देखिए इन थैलो में पुष्प है, तो इससे याद करेंगे इन थैलो, थैलो एंथोलॉजी, इन थैलो से इन एंथोलॉजी। और पुष्पों का अध्ययन करता है, तो पुष्प रखे गए हैं, तो पुष्पों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, पोमोलॉजी पी से, पोमो से देखेंगे, ट्रिक है प्रमोशन जो फल देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे याद करेंगे, प्रमोशन से फल हमें मिलता है। हम लोग प्रमोशन होता है तो हम लोग को बोनस मिलता है, उसे फल बोलते हैं हम लोग ऐसे ही नॉर्मल भाषा में। तो फ्रेंड्स, देखिए पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन करता है, तो प्रमोशन से फल की प्राप्ति होती है, तो ऐसे याद हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में देखिए पक्षियों का अध्ययन होता है, तो इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स? ट्रिक है ओर्नी रिलेट करेंगे। ओर्नी मीन्स मोर्नी, मोर्नी जो है वो पक्षी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इमेज मैंने बनाया है, इमेज से समझिए पक्षी, ठीक है? तो पक्षियों का अध्ययन किस में होता है? ऑर्निथोलॉजी में होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी में देखिए एंट, एंट जो है कीटों का अध्ययन करता है एंटोमोलॉजी में। तो इसको समझेंगे ऐसे, ट्रिक है एंट, देखिए ये एंट है, ठीक है? एंट से एंट, एंट जो है वो क्या है? चींटी है। चींटी क्या है? एक प्रकार का कीट है। तो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, ये आपको इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेमोलॉजी। डेमोलॉजी तो इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन होता है फ्रेंड्स। तो इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक है हमारा वृक्ष और झाड़ जैसे बाल में डैंड्रफ होगा। देखिए ये बाल है, नजदीक से हमें देखेंगे डैंड्रफ है इसमें। तो फ्रेंड्स, हम लोग को डैंड्रफ कब होता है? जब हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, झाड़ वृक्ष जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे डर्मोलॉजी से, डर्मोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, एक लड़की है, इसका सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए ट्रिक है छिपकली गिरी, लड़की ने शोर मचाया, तो शोर से सोरोलॉजी, छिपकली गिरी, तो छिपकलियों का अध्ययन होता है कहाँ? सोरोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑफिलॉजी। ऑफिलॉजी में देखिए सर्पों का अध्ययन होता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझेंगे कैसे? एक लड़का है, उसको सांप ने काटा, ऑफ हो गया मीन्स मर गया। तो फ्रेंड्स, देखिए ऑफ हो गया तो ऑफ से ऑफिलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहाँ होता है? सांप ने काटा, तो सांप से सर्पों का अध्ययन होता है कहाँ? ऑफिलॉजी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर जो है फ्रेंड्स, उसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है, संवर्धन होता है। तो इसको तो हमको खुद ही समझना पड़ेगा, ये आपको इजिली याद हो जाएगा। सिल्वी कल्चर जो है वो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करता है।
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, टेस्ट हो जाए कि हम लोग को कितना याद हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोरोलॉजी जो है उसमें क्या हमने बताया था, सोरोलॉजी में बताया था फ्रेंड्स कि एक लड़की है उसके ऊपर छिपकली गिरी, ठीक है, उसने शोर मचाया था, शोर मचाया शोर से सोरोलॉजी, तो सोरोलॉजी छिपकली गिरी थी इसलिए शोर मचाया था, तो इसमें हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन, सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डर्मोलॉजी। डर्मोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, डर्मोलॉजी में मैंने बताया था कि डैंड्रफ हुआ था, तो डैंड्रफ कब होता है, जब हमारे बाल वृक्ष और झाड़ जैसे हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एपिकल्चर। एपिकल्चर में क्या बताया था फ्रेंड्स, एक लड़का है एपी शहद, एपी शहद बोल रहा था, तो एपी से एपिकल्चर शहद का बात था, तो फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिया ताकि हम लोग को कितना याद है ये देख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।